डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि रीम नेवल बेस अंडमान से मात्र 1200 किलोमीटर दूर है। नंबर वन, ये देखें आप, अंडमान से सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर रीम नेवल एयरबेस। अब आप देख रहे हैं जो डेनिस द मेनेस है दुनिया का, चीन, वो क्या कर रहा है। बहरा अगली बात, नौसैनिक अड्डे पर चीन ने के नियंत्रण से भारत की चिंता बढ़ गई। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर सामरिक तौर पर भी अंडमान निकोबार बेहद महत्वपूर्ण है और इसी कारण भारतीय सेना की पहली और अकेली ट्राई सर्विस कमांड थिएटर भी पोर्ट ब्लेयर में है। 2001 में बनी इस कमांड का मूल उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर में भारतीय सामरिक हितों की रक्षा करना है। हालांकि चीन ने डेट ट्रैप में कंबोडिया को फंसाकर बड़ा दांव खेल दिया है। आपको बता दें कि कंबोडिया पर कब्जा करने की नीयत से चीन ने 2017 से भारी निवेश करना शुरू किया। नेक्स्ट चेंज करें, ध्यान से देखें अब आगे क्या होता है। चीन ने कंबोडिया में 10 अरब डॉलर का निवेश किया है। इतनी बड़ी राशि को चुकाने में कंबोडिया जैसा गरीब देश नाकाम हो गया है जैसा कि पहले से तय था। इसके बाद उसने चीन की शर्त मानते हुए रीम नेवल बेस को गिरवी रख दिया है। यह चाइना हर जगह कर रहा है। हालांकि चीन पहले की ही तरह इस बात से इनकार कर रहा है कि उसने कर्ज के जाल में फंसाकर कंबोडिया से यह पोर्ट हासिल किया है। गौर करने वाली बात यह है, बकायदा एक इंटरनेशनल रिपोर्ट कहती है कि चाइना का डेट ट्रैप इतना बढ़ गया है कि चाइना खुद इसमें डूब जाएगा। वैसे चीन की वजह से भविष्य में खड़े होने वाले संकट की विस्तृत स्टडी, डिटेल स्टडी अगर कहीं हो सकती है तो वो क्षेत्र अफ्रीका भी है। चीन ने अफ्रीका देशों को अपना उपनिवेश बना लिया। अफ्रीका का ये वो देश है जिसने अपना GDP 80% कर्ज विदेश से लिया है, लेकिन इस कर्ज में भी 77% हिस्सा सिर्फ चीन का है। दरअसल चीन ने जिबूती में 2017 में अपना सैन्य अड्डा बनाया था, डारले में बनाया सैन्य अड्डा, अब सैन्य बेस में बदल गया है। डोरले का चीनी सैन्य बेस जिबूती के पूर्वी तट पर बना और चीनी बेस से यूएस सैन्य बेस सिर्फ 8 मील की दूरी पर है। लेकिन एक बात क्लियर है कि यह खेल सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं है। इसका एक और ताजा उदाहरण है सोलोमन द्वीप, जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। चीन ने कर्ज जाल में फंसाकर सोलोमन द्वीप पर समझौता किया है। इस समझौते में चीन सोलोमन द्वीप का रक्षा और सुरक्षा दोनों के लिए इस्तेमाल करेगा और सोलोमन द्वीप के जो कर्ता धरता हैं वो खुलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं। मुमकिन है कि आने वाले वक्त में चीन प्रशांत महासागर में भी सैन्य अड्डा तैयार कर ले। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।